एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में चार दोस्त, चार के चारों दोस्त आपस में एक बढ़िया बॉन्ड शेयर करते हैं, लेकिन उसमें एक दोस्त बेरोजगार है जिसको काम नहीं मिल रहा है, और दूसरा दोस्त छोटा मोटा काम करता है लेकिन वो हमेशा पैसे की तंगी में रहता है, तीसरा एक बिजनेस चलाता है, और फोर्थ जो दोस्त है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। थर्ड वाला छोटा बिजनेस चलाता है, फोर्थ वाला बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब एक सिचुएशन मानिए, चारों बैठे हुए हैं और चारों ने अलग अलग जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है उससे पैसे उधार मांगे। जो पहला जो बेरोजगार है उसने मांगा, यार मेरे पास पैसे नहीं है इस टाइम, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे यार 1 लाख रुपए तू कर्जा दे दे। उसके बाद दूसरे ने दूसरा उसके पास जाता है, बोलता है यार मेरी नौकरी वोकरी तो चल रही है लेकिन बहुत अच्छे से घर नहीं चल रहा है, मुझे जरा सोफा और टीवी कुछ घर में रिनोवेट करना है, खरीदना है, मुझे कुछ पैसे दे दे। तीसरा जो दोस्त छोटा बिजनेस कर रहा है उसने कहा, यार मेरे को थोड़े पैसे चाहिए लेकिन मैं अपनी शॉप को बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा है और मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास एक्सपेंशन के पैसे नहीं है लेकिन मैं करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा आउटफ्लो और मेरा सारा कुछ इनकम सब कुछ बढ़ जाएगा। अब जो फोर्थ दोस्त है वो बहुत टेक्निकल है और उसने लाइफ देख रखी है और प्रैक्टिकल है, उसने पहले ही साथ रखा था ऐसे यार हम पैसे खा पी लेंगे साथ साथ लेकिन दोस्ती पैसों की नहीं। अब मुझे बताइए आप लोग, वो जो चौथा दोस्त है वो किसको पैसे ऑफर करेगा, किसको दे सकता है? क्या चारों को दे देगा? क्या वो केवल एक को देगा, तीन को नहीं देगा? क्या दो को दे सकता है? क्या तीन को दे सकता है? या थोड़ा थोड़ा चारों को दे देगा और देने के बाद एज्यूम कर लेगा कि यार अब पैसे वापस नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आएंगे। क्लियर आंसर है कि वो थर्ड वाले को देगा जो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन लेना चाह रहा है। ये छोटा सा जो स्टोरी है वो अपने आप आपको समझाने के लिए है कि कैसे आप जब किसी चीज़ का उधार लेते हैं, किसी चीज़ से आप कोई अपना घर में पर्सनल लोन लेके या कोई और लोन लेके या फ्रेंड से बोरो करके या रिलेटिव से बोरो करके आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कौन सा सिक्योर है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। सो दोस्तों, मेरा नाम धनंजय है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पर्सनल एक्सपेंसेस को कैसे हम मैनेज करें, पर्सनल फाइनेंस को कैसे हम ग्रोथ करें, ग्रोथ दें। तो बहुत ही अनप्लैंड वीडियो है, ऐसा प्लैंड वीडियो नहीं है, तो सबके लिए है ये। ऐसा मत सोचना कि ये किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, मैं ऐसे वीडियोस पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बनाता हूँ, उस पर रिसर्च कम ही करता हूँ, क्योंकि लाइफ में 20-22 साल का मेरा अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है जिसमें बहुत सारे इंटरेक्शन, 10 साल का से मेरा अपना काम है तो इतने सारे इंटरेक्शन हुए कि चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब मैं बताता हूँ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल यू नो जो बिजनेस है, लोन है, उनको कैसे हम मैनेज करेंगे, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर वन ये है कि सबसे पहले मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, डिजर्व देन डिजायर। आपने अपने दोस्त से सिर्फ इसलिए पैसा मांगा कि आपको आईफोन चाहिए क्योंकि लोगों को सोसाइटी में दिखाना है आपको, दोस्तों अभी तक आपके अंदर इतनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जागी कि तीन दोस्त मेरे काफ़ी आगे निकल चुके हैं और उसमें एक तो बहुत पैसे वाला है, एक बिजनेस कर रहा है, एक जॉब कर रहा है, उसके बाद भी आप उनके साथ बैठे हुए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट अभी तक आपने उनसे सीखा नहीं और ऊपर से उनसे कर्जे लेने आ गए। अगर आप इस तरह के दोस्त हैं तो प्लीज़ इमीडिएटली आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, सेल्फ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, और शायद आपको एक रुपया भी फालतू का वेस्ट करने का अधिकार नहीं है। आप अपने उन सारे दोस्तों से ट्रिक लो, उन सारे दोस्तों से काम मांग सकते हो, जो सबसे ज्यादा पैसे वाला उससे आप जॉब मांग लो, और ये सारा जॉब मांगना बल्कि बेटर होगा एज कंपेयर टू उससे उधार मांगना। दूसरे दोस्त कह जाते हैं, आप लाइफ में सक्सेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक ठीक एक जॉब है, आप रिनोवेशन के लिए मांग रहे हो, सोफे के लिए मांग रहे हो, दो ही रीजन हो सकते हैं, या आपको अपनी फैमिली से प्रेशर होगा, वाइफ से प्रेशर होगा, स्पाउस से, या आप खुद यू नो इन्फ्लुएंस्ड होंगे अड़ोसी पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से। इन दोनों केस में जवाब है बिल्कुल गलत, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी इनकम बढ़ाने हैं, जिसके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं मैं, और आपको खुद सोचना है, आप अपने इनकम बढ़ाइए, आप अपने एक्सपेंडिचर को कम करिए और अपने स्किल को बढ़ाइए, अपने इनकम में कुछ और रिसोर्सेज वर्टिकल्स एड ऑन करिए, और अपनी कंपनी में बॉसेस को बात करिए, सैलरी बढ़ाने का एक वीडियो बनाया हूं, उस सैलरी बढ़ाने वाले वीडियो को आप देखिए और उसके बाद अपनी सैलरी इंक्रीज करिए। ये चीज़ें बिल्कुल मत मानिए। अगर आपके घर में फाइनेंशियल कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है तो मांगिए, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए सोफा लेना है, बाकी चीज़ें लेना है, इसके लिए बिल्कुल मत मांगिए। उसके बाद आ जाते हैं उस तीसरे दोस्त पे जो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए अपने दोस्त से पैसे मांग रहा है। वो बिल्कुल सही कर रहा है, वो अपने दोस्त से भी मांग सकता है, बैंक से भी मांग सकता है। उसको चाहिए कि अब उस पैसे को लेके बिजनेस एक्सपेंशन करे और जल्दी से जल्दी अपने दोस्त के पैसे को चुकाए और इंटरेस्ट भी दे, सो दैट उसका एक बिलीफ सिस्टम बढ़े उसके ऊपर और म्यूचुअली दोनों आगे जाके काफ़ी ग्रो कर सके। तो इस वीडियो से हम लोग चार दोस्तों की कहानी समझ में आई हमारे, कि कैसे आपको उन चारों में से आप कौन हो, आप कौन से वाले दोस्त हो, ये आपको जानना होगा, और उसके बाद उसी अकॉर्डिंग मेरी सलाह पे आपको काम करना चाहिए। खुद से भी आप सोचिए, यही आंसर निकल के आएगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।